ये देखिए गाइस, आज हम बनाएंगे ये रेसिपी। पकोड़ा खाने का तो सबको मन करता है और ठंड का मौसम है। चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे आप सब? मैं बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सैयद अयान मॉम। आपका वेलकम है मेरे चैनल पर। आज हम बनाएंगे फूल गोभी के 65 बनाएंगे आज हम। टुडे कॉलीफ्लावर कुकिंग 65 पकौड़ा। इसको खाने का तो मन सबको करता है। आज हम बनाएंगे इजी से 65 बनाएंगे हम फूल गोभी का। चलिए मैं बताती हूँ आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये लेंगे, एक गोभी लेंगे फूल गोभी। फूल गोभी को छोटे छोटे पीसेस कट कर देंगे। आप देखे होंगे अभी मेरा वीडियो, वैसे ही कर सकते हैं आप भी। और छोटे छोटे पीसेस ही, ज्यादा बड़े करने से 65 अच्छा नहीं लगता है। एक साइज के भी कर सकते हैं और छोटे छोटे भी कर सकते हैं आप सब। गोभी के स्टिक रहना चाहिए, जिस तरीके से हम लोग काटे हैं ना वैसे ही काटना चाहिए। चलिए इसको वॉश करते हैं, इसके बाद आपको बताती हूँ मैं प्रोसीजर। ये देखिए गाइस, वाटर के अंदर मैं 1 स्पून नमक डाल चुकी थी, मैं आपको नहीं बताई हूँ, मैं भूल गई थी मैं यहाँ पर। ये देखिए मैं यहाँ पर बॉईल करे हुआ वाटर ली हूँ, मैं बॉईल करे हुआ वाटर के अंदर छोड़ दी हूँ मैं यहाँ पर। 10 से 20 मिनट्स तक छोड़ देना चाहिए, इसके अंदर गल जाता है। कैप लगाकर छोड़ने से अच्छे सा गल जाता है। बाद लोग कुकिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा कुकिंग हो जाता है, किसी को आइडिया नहीं होता है। फर्स्ट टाइम बनाते हैं ना उन लोग, ऐसा बनाना चाहिए। इसके बाद ही बॉईल कर कर बनाने से हॉबीज हो जाती है बनाने की, अच्छे से बनाने की हॉबीज हो जाती है ना, जब आप कर सकते हैं बॉईल कर कर। धनिया पाउडर 1/2 स्पून, चाट मसाला 1/2 स्पून, नमक 1/2 स्पून, मिर्ची 2 स्पून, बेसन 1 स्पून, टू स्पून विनेगर, हॉट वाटर 1 स्पून कप, और मैं यहाँ पर ली हूँ मैं राइस पाउडर ली हूँ। राइस पाउडर डाली हूँ मैं यहाँ पर 3 स्पून डाली हूँ मैं बिग स्पून से, और साथ में डाल रही हूँ हॉट वाटर 1 कप डाल रही हूँ यहाँ पर। ये देखिए गाइस, यहाँ पर लिक्विड नहीं हुआ था इसीलिए फिर से मैं 1 कप डाल चुकी हूँ उसके अंदर, और मैं साथ में डाल रही हूँ इसके अंदर टमाटो केचप है, टमाटो केचप डाल रही हूँ स्मॉल स्पून से 1 स्पून डाल रही हूँ, और साथ में मिक्स कर दी हूँ सारा। मिक्स कर दूंगी मैं कॉलीफ्लावर को, थोड़े थोड़े ही मिक्स कर दूंगी मैं। 1 मुट्ठी ली हूँ मैं, फर्स्ट बैच 1 कंप्लीट करती हूँ, सेकेंड बैच में फिर 1 मुट्ठी लेकर डालती हूँ मैं। एक साथ पूरा डालने से और अच्छे भी नहीं बनते हैं, मोटे मोटे बन जाते हैं। थोड़ा सा लगना है आटा। ये देखिए गाइस, मैं यहाँ पर बोल को लगाकर ही डाल रही हूँ, उसके अंदर ज़्यादा नहीं लगना है इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा ही डाल रही हूँ। ज़्यादा डालने से मोटा मोटे आते हैं, क्रंची नहीं बनते, इसीलिए मैं थोड़े थोड़े ही डाल रही हूँ आटा लगाकर। घर में तो वेजिटेबल सबके पास आता है, टीनेजर गर्ल्स एंड टीनेजर बॉयज भी बना सकते हैं, और इजी से बन जाता है, बहुत अच्छा बनता है और यम्मी बनता है। मेरे रेसिपी के साथ बनाइए आप सब, बहुत अच्छा बनता है। और मैं भी तो फर्स्ट टाइम ही ट्राई करी हूँ मैं ये आपको बताने के लिए। बाद लोग फूलगोभी को चपाती में डाल के खाते हैं, आलू जैसा खाते हैं ना आलू पराठा वैसा बना के खाते हैं। ये बाद लोग सब्जी बना कर खाते हैं इसके साथ ही। पानी थोड़ा थोड़ा ही कर डालना चाहिए, इसका बैटर है ना लूज रहना चाहिए, लूज रहने पर ही ऐसे बनते हैं। ये देखिए गाइस, यहाँ पर मैं फ्राई करके डाल चुकी हूँ, हरी मिर्ची और करिया पत्ता फ्राई करके डाली हूँ, और लंच रेडी हो गया है मेरा। लंच में ये बनाई थी मैं, रेडी भी हो गया है मेरा लंच। और ये देखिए गाइस, यहाँ पर मैं बनाई हूँ यहाँ पर राइस और कड़ी। कड़ी के साथ ये खाने से और भी यमी लगता है और टेस्टी भी लगता है। रेनी सीजन स्टार्ट हो गया है, बारिश भी हो रही है साथ में। और ये और मेरा वीडियो कैसे लगा आप लोग बताइएगा, प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा साथ में ही।